अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आखिरकार पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर काम कर गया। इफ्तिखार अहमद, बाबर आजम, यहाँ तक के आज तो शहबाब खान ने भी छक्के लगा दिए। दोस्तों स्टार्ट में तो अब्दुल्ला शफीक ने आज तबाहकुन इनिंग खेली 50 रन की, लेकिन उसके बाद आज कप्तान बाबर आजम के बल्ले से रन निकले हैं वर्ल्ड कप 2023 में पहली दफा। दोस्तों आज राशिद खान की अच्छी खासी धुलाई की बाबर आजम ने। आज पहली दफा बाबर आजम राशिद खान से आउट नहीं हुए, यहाँ तक राशिद खान आज काफी चिल्लाते हुए नजर आए, लेकिन आज बाबर आजम ने अच्छी खासी धुलाई की अफगानी बॉलरों की। लेकिन रहती सहती कसर दोस्तों आज इफ्तिखार अहमद ने पूरी कर दी। आखिरी ओवर्स में ऐसे तबाहकुन छक्के लगाए कि अफगानी बॉलर्स रो पड़े। इफ्तिखार अहमद ने आज 46 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसमें 90, 86 और 85 मीटर के छक्के शामिल हैं। और उसके अलावा दोस्तों शादाब खान ने भी आज 40 रन की अपनी नाकाबले यकीन इनिंग खेल दी है, शानदार कमबैक किया है दोनों खिलाड़ियों ने। लेकिन जो इफ्तिखार अहमद के छक्के थे वो तारीखी और याद रखे जाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। ये तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने 283 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया है। अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।